पति ने घर में कदम रखते ही एक बक्सा जमीन पर रखा। अभी जूते भी नहीं उतारे थे कि पत्नी दूर से ही चिल्लाना शुरू हो गई। बोली, ये कपड़ों की पोटली और ये घटिया बक्सा किसका उठा कर लाया हो घर में? पति थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोला, वो मैं माँ को लाने गांव चला गया था, इसीलिए देर हो गई। और माँ अब हमारे साथ। पत्नी ने बीच में बात काटते ही आग बबूला होकर जोर से चिल्लाई, क्या कहा? माँ को यहाँ ले आए हो? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी इतनी? तुम्हारे भाइयों के साथ रह रही थी ना, अचानक क्या तकलीफ आ गई कि इधर आ टपकी? माँ दरवाजे के भीतर आंखों में आंसुओं के साथ ये सब सुनकर रो पड़ी। पत्नी इतनी क्रोध में थी कि माँ की तरफ देखा भी नहीं। तभी पति बोला, अरे तुम समझती क्यों नहीं, अब इन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता। पत्नी फिर से चिल्लाई, यहाँ पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुम माँ को इधर ले आए हो? तुम जितने पैसे दे रहे हो ना, उतने में तो मेरा खर्च भी नहीं निकलता, तो माँ की देखभाल कैसे करेंगे? पति और पत्नी के बीच बहुत ज्यादा बहस होने लग गई। तभी पति ने कठोरता से कह दिया, अब ये हमारे पास ही रहेगी, चाहे तुम जो कहना है कह लो। पत्नी ने जवाब में कहा, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा, रखना तो मुझे है, मैं कहती हूँ अभी के अभी इन्हें वापस छोड़ाओ। अगर ये इस घर में आई तो मैं एक मिनट भी इधर नहीं रहूंगी, या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी, बस अब फैसला तुम करो कि इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं। तुम क्या समझते हो, इस महंगाई वाले जमाने में इनको हम रख पाएंगे? और ये महारानी जी ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई है। क्यों महारानी जी, आपको इधर आते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? ये कहते हुए पत्नी ने माँ की तरफ देखा तो पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, कुछ बोलने लायक नहीं रही, एक नजर से उस बूढ़ी औरत की ओर देखे जा रही है, मुंह से एक शब्द भी मुश्किल से निकले ऐसी स्थिति हो गई और दबी आवाज में बोली, मम्मा माँ तुम? उसका पति जिसे घर लेकर आया था वो उसकी नहीं बल्कि उसकी पत्नी की माँ थी। तभी रोती हुई आवाज में माँ बोली, बेटी तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया है और रातों रात मुझे घर से निकाल दिया। तभी मेरे पास तुम्हारे नंबर नहीं थे और जैसे तैसे दामाद जी के नंबर मिले तो उन्हें फोन किया, वो सीधा मुझे लेने आ गए। माँ बोली, दामाद जी शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ, क्योंकि जिस बेटी को मैंने फूल की तरह पाल कर आपको सौंप दिया था वो तो मुझे मिले ही नहीं, शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रही होगी। मुझे माफ करना दामाद जी, मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती, जिस घर में माँ का ऐसा अपमान होता है उधर रहने से तो अच्छा है मैं किसी सड़क किनारे सो जाऊंगी और अपना गुजारा कर लूंगी। दामाद जी कुछ बोलते उससे पहले पत्नी रोकर माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन ऐसी गलती की माफी क्या हो सकती है? तभी दामाद बोला, माँ जी आप यही रहेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो मेरी माँ हो या इसकी माँ। लेकिन हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पत्नी की आंखें खुल गई। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यदि ईश्वर भी माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश करे तो वो भी कंगाल हो जाए। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, आज के समय में लोगों की आंखें खोलने की जरूरत है, ये वीडियो सबकी आंखें खोल देगा। दोस्तों आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करने के लिए आपको YouTube पर जाकर इमोशनल वीडियो स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आगे भी ऐसी कहानियां आती रहेगी, यदि आपको सुनना अच्छा लगता है तो हमें वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे पेज को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को भी इस पेज को लाइक करने के लिए इनवाइट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।